नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत सरकार 1 फरवरी 2021 को अपना बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस बजट का इसलिए भी खास तौर पर उल्लेख होगा क्योंकि ये कोरोना काल के बाद का बजट है। भारत में यूं तो कोरोना जनवरी में ही आ गया था लेकिन उसका चरम अप्रैल में आया, तो कोरोना ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को खोखला किया है, अर्थव्यवस्था को संक्रमित किया है, उसके बाद निर्मला सीतारमण का ये बजट निश्चित रूप से देखने वाला होगा, उल्लेखनीय होगा। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देश के किसान लगभग 1.5-2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, खेतों को छोड़कर धरने पर बैठे हैं। इसलिए किसानों को साधना, खेती को साधना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। एक तरफ व्यापार जगत, उद्योग जगत राहत की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ कोरोना से परेशान मध्यम वर्ग भी चाहता है कि उसे भी राहत का वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को संक्रमित किया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की कमर तोड़ी है तो मध्यम वर्गीय है। सवाल ये है कि अगर सरकार सांता क्लॉज बनकर राहत बांटने लगेगी तो फिर देश कैसे चलाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन में जो कमी आई है उसको कैसा पूरा करेगी, और जो विकास की योजनाएं हैं और सरकार का जो नारा है हमेशा कि मोदी विकास की बात करते हैं, वो विकास का सपना, वो विकास का नारा कैसे पूरा होगा। तो तमाम चैलेंजेस हैं, तमाम चुनौतियां हैं, और उन चैलेंजेस और चुनौतियों को पार पाने के लिए पिछले 1 महीने से टीम निर्मला सीतारमण, टीम मोदी काम पर लगी हुई है। मेरे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी मौजूद हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में वे लेख लिखते हैं, डिजाना न्यूज़ के नियमित गेस्ट हैं, मेहमान हैं। हम उनसे आर्थिक विषयों पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। पहले भी आपने उनकी वार्ताएं सुनी हैं, उनकी चर्चाएं सुनी हैं, उनके विचार सुने हैं, और देश में उनकी छवि एक बेहद ही स्कॉलर इकोनॉमिस्ट की है। डॉक्टर भंडारी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि बताई कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला बजट होगा, कोरोना का बाद का पहला बजट, आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? यकीनन इन दिनों देश के करोड़ों लोगों की निगाहें 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की ओर लगी हुई है। ये निगाहें इसलिए लगी हुई हैं कि ये कोरोना काल के बाद का पहला बजट है और देश के आर्थिक इतिहास में इतनी कभी परेशानी देश में नहीं पड़ी जितनी कि कोरोना काल में पड़ी है। तो इस समय वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें असंभव को संभव करने जैसी बातें इस बजट में प्रस्तुत करनी है, क्योंकि देश के सभी वर्गों की कोरोना काल के बीच मुश्किलें बढ़ी हैं। इन मुश्किलों के बीच में उनको राहत देनी है और राहत के साथ साथ देश के विकास के लिए उन्हें योजनाएं बनानी है। तो ये बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ किसान हैं जिनकी समस्याएं हैं, आम आदमी हैं, मध्यम वर्ग है, करदाता हैं, सर्विस सेक्टर हैं, युवा वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हर व्यक्ति की कोरोना काल के बीच में मुश्किलें बढ़ी हैं, वे सब राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि वित्त मंत्री के सामने वित्तीय सीमाएं हैं। वित्तीय सीमाएं कितनी हैं, एक छोटी सी हम कल्पना करें कि पिछले साल जो बजट आया था 2020-21 का जो बजट है और जिसे चालू वित्त वर्ष का बजट है हमारा ये, तो इसमें ये उम्मीद की गई थी कि जो राजकोषीय घाटा होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, वो बजट जीडीपी के 3.5% तक होगा।
लेकिन पिछले वर्ष जिस तरह से खर्चे बढ़ाने पड़े सरकार को, ये जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, दवाइयां देनी पड़ी, वैक्सीन कराना पड़ा, ये सब ने राजकोषीय घाटा बढ़ाया। राजकोषीय घाटा कितना बड़ा उसकी हम थोड़ी सी कल्पना करें कि बजट लक्ष्य था जीडीपी के 3.5% फिजिकल डेफिसिट का, और ये जो पाया गया है वो 7.5% तक बढ़ते हुए पाया गया है। हाँ, देश के आर्थिक इतिहास के अंदर इस तरह का फिजिकल डेफिसिट कभी नहीं हुआ, और देश की इकोनॉमी में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। जो आंकड़े आ रहे हैं कि जो चालू वित्त वर्ष है इसमें देश की इकोनॉमी, देश की जो विकास दर है वो 7.7% गिरावट दिखाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच में से निकले हैं, तो सरकार के संसाधन अभी बिल्कुल सीमित दिखाई दे रहे हैं, और इसमें असीमित उम्मीदों की पूर्ति की जानी है। डॉक्टर भंडारी, किसान आंदोलन बहुत व्यापक रूप ले चुका है, उग्र रूप ले चुका है। 2 महीने से किसान खेत खलिहान छोड़कर, गांव छोड़कर धरने पर है, सीमा पर है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, किसानों के बारे में बहुत सोचती रही हैं, और मोदी जी का एक बजट तो पूरी तरह से गांव खेत खलिहान को समर्पित था, किसानों को समर्पित था। उसके बावजूद भी किसानों की मांगे हैं कि कम नहीं होती। मैं अगर ये कहूँ कि किसानों का तो पेट ही नहीं भरता, तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। अब चूंकि कहीं ना कहीं सरकार पर किसानों का दबाव है, सरकार को लग रहा है कि अगर किसान नाराज हो जाएगा, गांव नाराज हो जाएगा, तो बहुत बड़ा वोट बैंक उसके हाथ से छिटक सकता है। चूंकि सरकारें राजनीतिक दलों की होती हैं, तो वो राजनीति भी करती हैं, और राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो अपने कमिटेड वोटर्स को संभाल कर रखें। आपको लगता है कि इस बार का जो धरना आंदोलन है किसानों का, इसका इम्पैक्ट अच्छा या बुरा जो भी हो, वो बजट पर दिखाई देगा? निश्चित रूप से जो आगामी वित्त वर्ष का बजट है, वित्त वर्ष 2021-22 का, उसमें एक बार फिर से गांव, खेत और खलिहान, जैसे आपने कहा, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिखाई देगी वित्त मंत्री। ये प्राथमिकता इसलिए भी दिखाई देगी क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 2022 तक, मतलब एक वर्ष बाद तक, किसानों की आमदनी दुगनी करना, ये एक लक्ष्य सरकार का है, और बार बार ये एक नारे के रूप में भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में इतना बड़ा लक्ष्य है। दूसरी बात, देश में जिस तरह का किसान आंदोलन हमें दिखाई दिया है पिछले 60 दिनों से, तो निश्चित रूप से किसान वर्ग को प्रसन्न करने के लिए और उनके आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए सरकार नई योजनाओं के साथ में इस तरह प्रस्तुत आएगी कि निश्चित रूप से किसानों को वो आगे लाना चाहती हैं। और जो 3 कृषि कानूनों की बात कही जा रही है, जो सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं, इन कृषि कानूनों को भी कहीं न कहीं जो किसानों के लिए बजट प्रस्तुत होगा, खुशियों भरा बजट प्रस्तुत होगा, उससे इनको भी बड़ी गति मिलेगी। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कोरोना की जो मार थी वो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग पे पड़ी, और अगर कोरोना ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी, ऐसा मैं कहूँ, तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। आज कोरोना के बाद उद्योग धंधे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस सब का असर मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उसका असर मध्यम वर्ग पे पड़ रहा है। लोगों की नौकरियाँ जो गई हैं, नौजवानों की नौकरियां गई हैं, कोरोना काल में जो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उसका असर मध्यम वर्ग पे पड़ा है। और अगर मैं अर्थशास्त्र की भाषा में बात करूं आपसे, चूंकि आप बहुत महान अर्थशास्त्री हैं, तो मैं कहूंगा कि लोगों के पास क्रय शक्ति लोगों की कम हुई है, लोगों की क्रय शक्ति है नहीं, और जो थी उसमें भी कमी आ गई है। तो ये परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए क्या निर्मला सीतारमण आयकर की स्लैब में परिवर्तन करेंगी, आयकर की छूट बढ़ाएंगी, या जो ATC में या ATD में जो छूट मिलती है उसमें कुछ वृद्धि करेंगी, आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? निश्चित रूप से बीते हुए वर्ष में, कोविड वर्ष में, यदि कोरोना से सबसे अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई वर्ग प्रभावित हुआ है तो मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज दिए, लेकिन इन पैकेजों का सबसे कम जो फायदा मिला वो मध्यम वर्ग को मिला, और अन्य वर्गों को, गरीब और जो अन्य वर्ग हैं उनको इसका फायदा
जरूर मिला है और ये मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर भारत अभियान का फायदा नहीं मिला है और मध्यम वर्ग की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं कि नौकरियां गई हैं, जैसे आपने बताया उद्योग धंधे बुरी तरह से चौपट हुए और मध्यम वर्ग जिन उद्योग धंधों से संबंध है वो MSME, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनकी हालत आज़ादी के बाद से अब तक सबसे खराब रही। तो इसमें मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ, वहाँ जो नौकरियाँ करते थे वे भी मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, वे भी पूरी तरह से प्रभावित हुए, कारोबार प्रभावित हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ, तो मध्यम वर्ग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो छोटे आयकर दाता है, स्मॉल टैक्स पेयर जिन्हें हम कह सकते हैं, वे भी प्रभावित हुए। तो निश्चित रूप से इस बजट में 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण मध्यम वर्ग को और छोटे आयकर दाताओं को राहत देते हुए दिखाई देंगी। ये राहत कितने हो सकती हैं इसका एक अनुमान किया जा रहा है। अभी जो इनकम टैक्स की छूट है वो 2.5 लाख रुपए तक है, निश्चित रूप से वित्त मंत्री इस छूट सीमा को 2 गुना 5 लाख रुपए तक विस्तारित करते हुए दिखाई दे सकती है और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि लोगों की, खासतौर से मध्यम वर्ग की, छोटे आयकर दाताओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। ये बात भी इस बजट में दिखाई दे सकती है कि सरकार बचत के लिए प्रोत्साहन दें। बचत के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा है वो है 80C, 80C के तहत अभी जो छूट है ये छूट है 1.5 लाख रुपए तक की छूट है, और अब जिस तरह से स्थिति बन रही है ये छूट बढ़ा के 2.5 से 3 लाख रुपए तक की जा सकती है, क्योंकि सरकार को मकानों के लिए भी प्रोत्साहन देना है, सरकार को विभिन्न तरह की बचत को प्रोत्साहन देना है, और ऐसे में 80C के तहत ये छूट 1.5 लाख से 2.5 लाख हो सकती है। 80D जिसकी आपने बात करी, उसमें अभी स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं, प्रीमियम है, उनके ऊपर 80D के अंतर्गत 25,000 रुपये तक की छूट है, और यदि पेरेंट्स की भी प्रीमियम चुकाई जाती है तो 50,000 रुपये तक की, निश्चित रूप से इसको बढ़ाकर 75,000 रुपये तक किया जा सकता है। और एक ख़ास बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा अभी 50,000 रुपये तक है, निश्चित रूप से इस बजट के अंदर ये सीमा बढ़ाई जाएगी और 75,000 रुपये तक की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं। एक ज़रूरत और है, वो ज़रूरत ये है कि जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो गंभीर बीमारियाँ हैं उन बीमारियों के लिए अलग से प्रावधान होते हैं छूट के, हेल्थ से संबंधित, इन कोरोना को इसमें लेना पड़ेगा, कोरोना को भी इसमें लिया जा सकता है और लेना चाहिए, तो इससे लोगों को बड़ी राहत होगी और इससे कम से कम जो मिडिल क्लास है, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके हाथ में क्रय शक्ति बढ़ेगी और इस क्रय शक्ति से वे उद्योग कारोबार को प्रत्यक्ष रूप से गतिशील करते हुए दिखाई दे सकेंगे। सर ये बात केवल मध्यम वर्ग की नहीं है, अगर हम बात करें तो सरकार की भी हालत खराब है। रेवेन्यू कलेक्शंस बहुत, अगर मैं कहूं कि दशक का सबसे खराब स्थिति में है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। सर्विस सेक्टर से रेवेन्यू कलेक्शन कम आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रेवेन्यू कलेक्शन कम आ रहा है, ग्रोथ जो है वो भी कम है, चाहे वो निर्माण उद्योग की ग्रोथ हो या एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो, वो ग्रोथ भी उस तरीके से बढ़ नहीं रही है। सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, विजन है, खर्चा करना चाहती है, आप भी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया जाएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ाया जाएगा, सरकार अपनी झोली खोलेगी और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाएगी, लेकिन कैसे जब आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, आपके पास रेवेन्यू कलेक्शंस कम होता है और एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आप सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जापान से आप आगे निकलना चाहते हैं, इंग्लैंड से आप आगे निकलना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे पूरी हो पाएंगी? निश्चित रूप से देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। कितनी ठीक नहीं हम इसकी कल्पना करें कि पिछले साल के यदि हम बजट को देखें, जो चालू वित्त वर्ष का बजट है 2020-21 का, इसमें सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे करीब 26 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी, सभी तरह से मिला के 26 लाख करोड़ की आमदनी होगी। अब जो स्थिति है, जो सरकार ने नए आंकड़े अभी दिए हैं, उसमें सरकार ने ये कहा है कि जो पिछले साल ने चालू वित्तीय वर्ष में ये जो इनकम है ये केवल 19 लाख करोड़ रुपए हुई है, जो तो 7 लाख करोड़ रुपए की आमदनी सरकार की एक साल के अंदर
चालू वित्तीय वर्ष में कम हुई है। देश के आजादी के बाद के आर्थिक इतिहास में इतनी आमदनी कभी नहीं घटी। आमदनी इसलिए घटी है कि सरकार 7.7% विकास दर में गिरावट सामने दिख रही है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं को भी बढ़ाना है और साथ में जो मुश्किलें लोगों की बढ़ी हैं उनको राहत भी देना है, उद्योग को बढ़ाना है, MSME को बढ़ाना है, कारोबार को बढ़ाना है और विभिन्न वर्गों को राहत देना है। तो ऐसे में सरकार तीन तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी और जैसे सरकार ने रणनीति बनाई है, नंबर एक, आगामी वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर कर संग्रह बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो दिसंबर के आंकड़े हैं वो है GST के अंदर जो इनकम है वो गए साल की तुलना में बढ़ गई है। दिसंबर से जो आंकड़े, जिस तरह से इकोनॉमी गतिशील हो रही है, तो सरकार को उम्मीद है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। पिछले साल डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश, सरकारी संपत्तियों को बेच के कमाई करना, इसे विनिवेश कहते हैं, उसके अंदर सरकार बड़ी असफल रही है। सरकार ने लक्ष्य रखा था गए साल 2,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। क्या हमारी नवरत्न कंपनियां जो हैं वो बेच दी जाएंगी? उनमें से कुछ को विनिवेशित करेंगे, लेकिन सरकार को उसका जो लक्ष्य रखा था उसका केवल 25% प्राप्त हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अब सरकार इस साल विनिवेश को बढ़ाएगी, विनिवेश के लक्ष्य ज़्यादा रखेगी, उससे आमदनी करेंगी। तीसरा है, सरकार शेयर बाजार के माध्यम से नई कमाई की तरफ आगे बढ़ेगी और शेयर बाजार को सरकार प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देगी। हम देखते हैं कि अभी 21 जनवरी को शेयर बाजार मुंबई सेंसेक्स 50,000 अंकों के ऊंचाई पर पहुंच गया, जो कि कोरोना काल के अंदर करीब 25,000 के ऊपर ही था। तो इस तरह से जो शेयर बाजार बढ़ रहा है, शेयर बाजार को सरकार और प्रोत्साहित कर सकती है और ऐसे में देश के उद्योग धंधों के लिए भी पूंजी के नए संसाधन के रूप में शेयर बाजार आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। और इन सब के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार पहली बार फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को और बढ़ाते हुए दिखाई देगी। और किसी भी देश की इकोनॉमी में जब बहुत अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है, खासतौर से विकासशील देशों के अंदर, वहाँ फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाया जाता है। अब चूंकि अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं कोरोना काल के अंदर और गए साल भी जो फिजिकल डेफिसिट है वो 7-8% के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इस साल सरकार शुरुआत से ही फिजिकल डेफिसिट को GDP के तुलना में, जो फिजिकल डेफिसिट होगा GDP के आकार का, वो 6% के आसपास शुरुआत से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देगी। और जब सरकार के पास में इस तरह से संसाधन होंगे तो वो सरकार अधिकतम वर्गों की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी और इकोनॉमी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कह रहे हैं कि जो आगामी वित्त वर्ष है 2021-22 उसके अंदर भारत की इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ रेट दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी। अभी 2 दिन पहले IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% होगी, वो चीन से भी ज़्यादा होगी, वो फ्रांस से भी ज़्यादा होगी, वो जर्मनी से भी ज़्यादा होगी। तो ये एक अनुमान है कि अब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हम सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश बन जाएंगे। सबसे बड़ी इकोनॉमी में तो अभी समय लगेगा, इस समय हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। और जो लक्ष्य रखा जा रहा है, दुनिया कह रही है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा। डॉक्टर भंडारी, ये भी सवाल है कि बजट की हम बहुत देर से एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लाखों करोड़ों के आंकड़े दिए हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी का सवाल एक ही होता है कि क्या ये बजट महंगाई को कम कर देगा। पेट्रोल मध्य प्रदेश में भी 100 रुपये में मिलने लगा है, दूसरे राज्यों में झारखंड वगैरह में तो शायद हमसे भी ज़्यादा 102-103 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल को हम क्यों नहीं GST में ला पाते हैं, पेट्रोल डीजल को? एक सवाल इस बजट में ये भी रहेगा। और दूसरा जो मध्यम वर्गी का सवाल है कि 2 बच्चों का परिवार भी पालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, कोरोना अपनी जगह पर है, अर्थव्यवस्था में गिरावट अपनी जगह पर है, नौकरियाँ जा रही हैं वो अपनी जगह पर है, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई
बहुत महंगी हो गई है, अस्पताल का खर्चा बहुत महंगा हो गया है, आम आदमी को राहत मिले इसके लिए बजट में क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रतीक जी, कि नए बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ये भी प्रयास करते हुए दिखाई दे सकती है कि जिस तरह से डिजिटल एजुकेशन बढ़ रहा है, तो नए बजट के माध्यम से एजुकेशन पे वो जितना आवंटन है उसको बढ़ाएंगी, और शिक्षा और डिजिटल एजुकेशन इन दोनों के लिए भी मत बढ़ेगी। और जहाँ तक हेल्थ से संबंधित आपने बात कही, इस बार स्वास्थ्य बजट बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोरोना की चुनौतियों का भी सामना करना है। अभी कोरोना गया नहीं है, उसकी बात की मुश्किलें बनी हुई है, और ऐसे ही देश में टीकाकरण अभियान जो चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, इस पर भी बहुत पैसा खर्च जी इस पर खर्च हो रहा है। और सरकार की ये नई योजना भी है कि हम जो कोरोना की वैक्सीन है उसको दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करें, तो ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी निःशुल्क टीका लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे राज्यों ने निःशुल्क टीका लगाने की बात की है। क्या भारत की सरकार हर आदमी को, वो चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे वो मंगतू हो, मुकेश और मंगतू दोनों को फ्री टीका लगना चाहिए, ऐसी स्थिति बन सकती है इस देश में? निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बनना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी की एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, और निशुल्क टीके लगने ही चाहिए। लेकिन अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि कमज़ोर वर्ग के लिए तो ये निशुल्क होंगे, लेकिन जो उच्च वर्ग है और मध्यम वर्ग भी हैं उनके लिए इस तरह की संभावनाएं नहीं है कि बड़े पैमाने पर इस तरह के निशुल्क टीके लगाए जाएं। अधूरा रह गया जी, ये जो पेट्रोल डीजल को हम GST में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं लाती, जबकि GST में लाने की बात की, सारी चीज गुड्स जो है कमोडिटीज हैं वो GST में है, पेट्रोल डीजल नहीं है। पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है, जिस तरह से डीजल महंगा हो रहा है, उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान कोरोना के बाद अगर किसी चीज़ से है तो महंगाई से है, इसके लिए इस बजट में क्या हो सकता है? निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल को GST के तहत लाया जाना चाहिए, और इससे महंगाई भी नियंत्रित हो सकती है। लेकिन विभिन्न राज्यों का यह तर्क रहता है कि इसे GST में नहीं लाया जाए, क्योंकि उनके आर्थिक हित जुड़े होते हैं, और ऐसे भी केंद्र सरकार भी एक बहुत बड़ी जो कमाई करती है वो पेट्रोलियम पदार्थों से ही करती है। यदि हम पेट्रोलियम पदार्थ का के मूल्य को देखें, कि यदि मान लीजिए इस समय पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से पेट्रोल की जो मूल कीमत है, जो रा पेट्रोल हम कह सकते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ कह सकते हैं, जो तो उसका 33% 100 रुपये में से 33% पेट्रोल की जो मूल लागत है वो, और 67% राज्य सरकार का भी टैक्स हो गया उसके अंदर, और केंद्र सरकार का भी हो गया, एक्साइज और वेट ये सब मिल गए, तो 1/3 ही उसकी मूल लागत है, और बाकी जो 67% है वो इसमें। भारत में तो बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती है, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का निर्धारण होता है वो वैश्विक बाजार पे, मगर वो हमारे देश में कई बार दिखाई नहीं देता है। तो GST में इसको जरूर लाना चाहिए, मगर इस बजट में पेट्रोल और डीजल कहीं इस तरह की घोषणा में नहीं दिखाई देते हैं जैसे संभावनाएं दिख रही हैं कि वो GST में लिए जाएं, मगर ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है देश की, और इससे महंगाई भी बहुत कुछ नियंत्रित हो सकती है। सर, अभी हमने देखा किसान आंदोलन को, और मैं समझता हूँ कि ये भारत के इतिहास का सबसे भव्य आंदोलन है। जिस तरह से पनीर की खीर बन रही थी, हलवे बन रहे थे शुद्ध घी के, बादाम बट रही थी, मेवाएँ बट रही थी, लड्डू बट रहे थे ठंड के गोंद के, और जितना हाईटेक ये था, बड़े बड़े मॉल खुल गए थे, ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल, लाखों की मोटरसाइकिल्स में लोग आ रहे थे, लाखों की कारें, करोड़ों की कारें वहाँ खड़ी हुई थी। इसका मतलब ये साफ है कि भारत का किसान बहुत संपन्न हो गया, जो पंजाब आंदोलन की जो दृश्य हमने मीडिया में देखे। तो सर, बार बार ये मेरे मन में सवाल आता है कि कृषि आय, खेती से जो आय होती है उसको कर मुक्त क्यों किया जाता है? खेती से आय होने पर जब कारखाने से जो आय होती है उस पर टैक्स लगता है। मैं ऑफिस में सुबह रोज 10 घंटे काम करता हूँ, मेरी उस पर टैक्स लगता है, तो खेती से जो आय होती है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता है?
कृषि आय को कर मुक्त क्यों किया जाता है, जबकि हमारा किसान ऑडी में घूम रहा है, हमारा किसान हमर में घूम रहा है, 80 लाख की 50 लाख की मोटरसाइकिल ला रहा है, बादाम की खीर खा रहा है, देशी घी का हलवा खा रहा है, काजू मेवे बट रहे हैं, गोंद के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो कर क्यों नहीं? निसंदेह देश में ग्रामीण परिवेश आर्थिक खुशहाली की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है, और किसानों की आमदनी बड़े किसानों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर के रूप में हैं, उनकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई है। फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि खेती को इनकम टैक्स के क्यों छोड़ा जाए, खेती के ऊपर आयकर क्यों नहीं लगाया जाए, क्योंकि जो आयकर होगा वो बड़े किसानों पर लगेगा। कई रिपोर्टों के अंदर ये बात आई है कि देश के सर एक वित्त मंत्री ने गमले में गोभियां 10 करोड़ की गोभियां उगाकर और टैक्स मुक्ति ले ली। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह से टैक्स की मुक्ति लोग लेते जा रहे हैं, जिनकी आमदनी है वो दे सकते हैं, और इस बजट के माध्यम से तो ऐसी संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन यह जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो एक सैलरीड है उसको तो उसकी आमदनी के ऊपर ईमानदारी से कर देना है, लेकिन जहाँ धन का ढेर लग रहा है, खुला ढेर लग रहा है, तो वहाँ पे भी उस खेती के क्षेत्र को भी इनकम टैक्स में शामिल किया जाना जरूरी है। सर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या, हम ये कहा जा रहा है कि सदी की सबसे बड़ी उच्चतम बेरोजगारी की दर पर हम लोग हैं इस वक्त, और नौजवानों में इसको लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। जिन उम्मीदों के साथ सरकार आई थी, जिन उम्मीदों को लग रहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन बाद में हम पकौड़े तलने की बात करने लग गए, कोई एक मुख्यमंत्री आए वो बैंड बजाने की बात करने लग गए, दूसरे मुख्यमंत्री आए वो गाय ढोर चराने की बात करने लग गए, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन देश की सरकारें उसको लेकर गंभीर नहीं है। बजट में नौजवान जो बजट से अपेक्षा कर रहा है वो इसी बात की अपेक्षा कर रहा है कि उसको रोजगार मिले। हम बात तो बड़ी करते थे कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, बल्कि आप दूसरों को रोजगार देंगे, आपको रोजगार देने वाला बनना है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इस बजट में युवाओं को राहत मिलेगी? जहाँ तक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, नए बजट में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के ऊपर और फोकस किया जाएगा। मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है कोरोना काल के अंदर, बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में फिर से मनरेगा को और अधिक आवंटन किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी की समस्या तो अभी भी बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तरह कुछ योजना इस बजट के अंदर दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत बीच में सरकार की ओर से दिए भी गए थे। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि निश्चित रूप से नई पीढ़ी के रोजगार के लिए, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट, कौशल विकास के ऊपर, और डिजिटल दुनिया में नई पीढ़ी आगे बढ़े, डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर दिखाई देंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी हमारे दर्शकों से प्री बजट पर बात करने के लिए, क्या क्या संभावना है और बजट कैसा होगा, क्या उसमें प्रावधान किए जाएंगे, क्या उसमें सुविधाएं दी जाएंगी, कहाँ वित्त मंत्री जी कोड़ा मारेंगी, चाबुक मारेंगी, कहाँ मल्लम लगाएंगी, ये तो टीम निर्मला सीतारमण ही जानती है, क्योंकि बजट बहुत गोपनीय होता है, आता नहीं है जब तक कि वो पेश ना किया जाए। लेकिन फिर भी डॉक्टर भंडारी अपने अनुभव से और अपने अध्ययन से, जो उनका एक लंबा दीर्घ अनुभव है, दीर्घ अध्ययन है, उसके आधार पर उन्होंने कुछ संभावनाएँ बताई हैं, कुछ उम्मीदें बताई हैं, कुछ आशाएं जगाई हैं। देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को जब ये बजट आप सबके सामने आएगा, तब हमारे साथ एक बार फिर से उस वक्त उस दिन भी डॉक्टर भंडारी मौजूद होंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो राहत की बात, जिन उम्मीदों की, जिन आशाओं की बात वो कर रहे थे वो पूरी हुई नहीं हुई, हुई तो किस हद तक हुई, हम उस दिन भी आपके पास हाजिर होंगे। और 1 फरवरी को डिजियाना न्यूज़ पूरे दिन भर आपको बजट लाइव दिखाएगा, बजट के साथ रहेगा, और आपको विभिन्न सेक्टर्स के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, अर्थशास्त्री, आम वर्ग के लोग, व्यापार जगत के लोग, खेती किसानी के लोग आपसे रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे बजट को लेकर। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।